लालबरा के हाईस्कूल मैदान स्थित कमरे में रखी खेल सामग्री को अज्ञात चोरों ने चुराया। खिलाड़ियों ने थाने पहुंचकर की शिकायत। मैदान में असामाजिक तत्व के जमावड़े पर कार्रवाई की मांग की। वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट के तहत 12 से 15 वर्ष से कार्य कर रहे 60 सुरक्षा श्रमिकों को सताने लगी काम की चिंता। संभागीय कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। सहकारिता समिति कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान किया भजन कीर्तन। सरकार की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना। 1 अप्रैल को सामूहिक इस्तीफा देने का किया ऐलान। मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने जारी की संभावना। 3 अप्रैल तक बालाघाट जिले में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तापमान में और अधिक होगा इजाफा। पड़ेगी गर्मी। जिले के भीतर 40 से 42 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंचने की जताई जा रही संभावना। अट्ठाईस और 29 मार्च को जिला मुख्यालय में सुबह के समय आसमान में दिखाई दिया जहरीला धुआं। लोगों को आंखों में हुई जलन। मुख्यालय से लगे हुए आसपास के जंगलों में रुक रुक कर लग रही है आग और नगरपालिका के द्वारा गर्रा स्थित कचरे के डंप और शहर के भीतर कचरा जलाने के कारण धुंध वातावरण प्रदूषित होने को बताया जा रहा है कारण। प्रदेश शासन के द्वारा 29 मार्च को पीएम आवास के मकान पूर्ण होने पर मनाया गया मंगल ग्रह प्रवेश। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 33 और बूढ़ी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों ने समय पर किस्त नहीं मिलने की बताई परेशानी। ग्रह प्रवेश पर उठाए सवाल। लालबरा तहसील के बल्लारपुर गांव में ग्रामीणों ने किया पीएम आवास ग्रह प्रवेश कार्यक्रम का विरोध। रोजगार सहायक पर कार्रवाई नहीं होने से मनरेगा की समय पर मजदूरी नहीं मिलने को बताया विरोध का कारण। सराठी जलाशय मरम्मत की मांग को लेकर संघर्ष समिति के द्वारा 11 अप्रैल को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की दी गई चेतावनी। संघर्ष समिति के सदस्यों ने दी जानकारी। जलाशय मरम्मत के लिए जारी की गई राशि का प्रशासकीय पत्र नहीं किया गया जारी। श्वेतंबर मूर्ति पूजक संघ जैन महिला मंडल के द्वारा गहुली प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 40 प्रतिभागियों ने अक्षत से बनाई आकर्षक गहुलिया। शहर के वार्ड नंबर 1 भटेरा चौकी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में किया गया विशेष हवन पूजन। शिवपिंडी भगवान गणेश और नंदी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर की गई स्थापना। बारासूर नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में अनाज मंडी और राइस मिल मजदूर हमाल यूनियन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आम सभा कर निकाली गई रैली। तेईस मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सेवा सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा बारासूनी विधायक प्रदीप जायसवाल को सौंपा गया ज्ञापन।